जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जेएसडब्ल्यू के नाम से काफी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन ये कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में। अभी लास्ट मंथ में इस कंपनी का आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद कंपनी की लिस्टिंग अक्टूबर मंथ में हुई और शानदार लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट बना हुआ है, प्राइस लगता है ऊपर ही जा रहा है। मैं इस कंपनी के काम, टेक्निकल और फंडामेंटल सभी माध्यमों से आपको बताऊंगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, खासकर यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो, क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अब आज भी देखेंगे तो तकरीबन इस स्टॉक में आपको 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से अच्छी खासी तेजी के साथ चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब शॉर्ट टर्म की तेजी है। जेएसडब्ल्यू जो काम करता है और इसका जो मैनेजमेंट है उसके बेसिस पर मैं ये बातें कर रहा हूँ कि लंबी अवधि में भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। चलिए सुबह शुरू से करते हैं और एक बातों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले एक नज़र हम लोग कंपनी के फंडामेंटल पर डालते हैं, फिर बाकी चीज़ों को भी समझेंगे। तो फंडामेंटल में सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी एक लार्ज कैप श्रेणी की कंपनी है, और उसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी बहुत सस्ता है। सस्ता अभी है, हालांकि कुछ समय बाद ये आपको महंगा दिखेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया है, डबल डिजिट में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी भी न्यूली लिस्टेड कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम इतना परसेंट रिटर्न निकाल कर दे सकती है, 20% रिटर्न आपकी इक्विटी पे। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया नजर आता है। थोड़ा सा कंपनी के काम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम देखते हैं तो कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी मैरी टाइम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अभी मैरी टाइम रिलेटेड सर्विस क्या हो गया, समुद्र से जुड़े जो कंपनियां व्यापार करती हैं, जैसे ये कंपनी देखेंगे तो कार्गो हैंडलिंग करती है। कार्गो हैंडलिंग मतलब आप देखेंगे कंटेनर में सामान लाद कर जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता है, ये हो गया कार्गो हैंडलिंग। इसके अलावा कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अब समुद्र तक जो सामान जाता है कंटेनर में लादने के लिए वो किस माध्यम से जाता है, ट्रक व्रक से जाता होगा, और भी बड़े बड़े गाड़ियों के माध्यम से जाता होगा, या देश में भी इधर से उधर सामान पहुंचाना है तो उसको लॉजिस्टिक सर्विसेज कहते हैं। स्टोरेज सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है सामान रखने के लिए जो जगह चाहिए। यानी कि ओवरऑल देखें जो काम है, जो समुद्री व्यापार से जुड़ी हुई कंपनियों का काम है, या जो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं वो कभी घाटे में नहीं रहेंगे, आप ये बात मान कर सीजिए। तो कंपनी के काम के बिहार पर मैं ये बात एकदम 100% आपको कह सकता हूँ कि इसकी यदि मैनेजमेंट जिस तरीके से आज काम काज कर रहा है, आगे भी ठीक से काम करता रहा है, इस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी सस्टेनेबल लेवल पर फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने कंपनी के काम, कंपनी का फंडामेंटल समझा। अब चलिए हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कंपनी का क्या कहता है, उसके बेसिस पे क्या हमें इसको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ट से होता है। अभी मैंने आपके सामने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे 3 अक्टूबर दिन कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग हुई थी तकरीबन कंपनी का शेयर प्राइस उस समय आप देखेंगे तो 157 रुपये 158 रुपये के आसपास यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग होने के बाद से आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर ही आपको जाते हुए दिखेगा। हालांकि लिस्टिंग होने के बाद प्राइस के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, एक ये 165 और 170, क्योंकि इसमें कुछ दिनों तक तकरीबन एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक कंपनी ने इसमें समय बिताया, तो लोग यहाँ पे जिसको जो आईपीओ में अप्लाई किए थे वो निकलना चाह रहे थे, निकल गए। अब जो इसमें लंबी अवधि के निवेशक है सिर्फ वही बने हुए हैं, और उसके बदौलत अब कंपनी का शेयर प्राइस देखते हुए यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तकरीबन 175 रुपये से प्राइस पर अभी कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो गया, 158 रुपये पे लिस्ट हुआ था और 175 रुपये पे कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, और ये अभी लंबी अवधि में और लंबा ही जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि कंपनी का जो काम है, जो मैनेजमेंट है, इसके बिहाफ पे ये कंपनी अच्छी खासी कंपनी फ्यूचर में आपको बनते हुए दिख सकती है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक सही समय हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी सस्ता है। आपको पता है जब आईपीओ आता है तो आईपीओ में कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता ही होता है, इसीलिए उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, क्योंकि आपको ऑफर दिया जा रहा है कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं और उसमें लंबी अवधि के निवेशक भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एक फ्यूचर में बहुत ही शानदार कंपनी बनने जा रही है। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मेरी जो राय थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी। पर्सनली मुझसे जुड़कर कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।